आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट इज कंटेन्ड इन चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी विच रिलेट्स टू प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। और ये प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो है ये है पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी एंड दिस इज कंटेन्ड इन सेक्शन 82-86 ऑफ सीआरपीसी। तो बिफोर स्टार्टिंग एक चीज हम क्लियर कर दें कि ये जो प्रोक्लेमेशनल अटैचमेंट है, प्रोक्लेमेशनल अटैचमेंट इज जस्ट अ प्रोसेस। किस लिए? टू कंपेल अपीयरेंस, मतलब जो एक्यूज्ड है या जो विटनेस है अगर वो कोर्ट में नहीं आ रहे या अगर वो इन्वेस्टिगेशन के साथ या जो लॉ के प्रोसेस हैं, मान लीजिए कंप्लेंट हुई है, अब कंप्लेंट की नेचुरली एक इन्वेस्टिगेशन होगी, तो अगर जो एक्यूज्ड है या जो विटनेस है उस केस में वो अगर कोर्ट के साथ या पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट लाइक ऑल दी अदर थिंग्स, समन्स, वारंट्स, लाइक दोज थिंग्स, ये प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट भी एक तरीके का, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस टू कंपेल द पर्सन अपीयरेंस, जो भी एक्यूज्ड है या विटनेस है उनकी अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए है ताकि वो पेश हों। और ये प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना होगा दैट इज ऑफ प्रोक्लेमेशन, क्योंकि ये वर्ड जो है इन सेक्शंस में आएंगे, डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन। फिर आएगा अटैचमेंट, अटैचमेंट, सेल एंड रिलीज। तो बिफोर स्टार्टिंग ये जो कॉन्सेप्ट है इनको हम बहुत ही जल्दी से टच अपॉन कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर प्रेजेंट नहीं हो रहा कोर्ट के सामने, तो इट गोज बैक टू द बेसिक्स। अब मान लीजिए आपको किसी को अपने सामने बुलवाना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसकी कोई प्रॉपर्टी को रख लें या उसकी कोई चीज को हम रख लें, तो वो बंदा जल्दी पेश होगा, वो बंदा जल्दी हाजिर होगा, वो उसे वापस लेने के लिए आएगा हमारे पास, राइट? सो लॉ ऑल्सो टेक्स अ सिमिलर अप्रोच। लॉ क्या करता है कि अगर कोई पेश नहीं हो रहा तो उसकी किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, सीज करके उसको मजबूर करता है पेश होने को। अगर उसकी प्रॉपर्टी सीज्ड है तो दैट पर्सन कैन नॉट डील इन हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। मान लीजिए अ पर्सन ए हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, अ पर्सन ए हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ लेट्स से मर्डर। नाउ इसके घर पुलिस जा रही है पर ये आ नहीं रहा, और इसके खिलाफ मान लीजिए वारंट्स भी इशू हुए हैं पर वो आ नहीं रहा, तो देन व्हाट द कोर्ट डज इज पुलिस जो है पुलिस कोर्ट के पास जाएगी। कोर्ट में जाके पुलिस कहेगी कि हमने ए को बहुत कोशिश की है कि हमारे सामने पेश हो पर वो आ नहीं रहा है, हमारे सामने पेश नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर व्हाट यू डू इज आप इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऑफेंडर डिक्लेयर कर दें। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने से क्या होगा? नंबर वन, उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं इनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, अगर तो भी पेश ना हो तो प्रॉपर्टी सेल भी हो जाती है। सेल हो करके उस प्रॉपर्टी को जो ऑफेंडर है दैट नो लॉन्गर रिमेन्स हिज। सो दिस इज अ वेरी बिग डेटरेंट, दिस इज अ डेटरेंट फॉर व्हाट? ये एक डेटरेंट है सो दैट ही अपीयर्स एंड कोऑपरेट्स विद द इन्वेस्टिगेशन, विद द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसेस ऑफ कोर्ट। जो भी कोर्ट का प्रोसीजर है, जो भी कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ, ताकि वो कोऑपरेट करें, ताकि वो उसके साथ ज्वाइन करें, दिस इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। सो ये कोई प्यूनेटिव स्टेप नहीं है, पनिश करने का स्टेप नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टेप ताकि उन्हें पेश करने में
या उनको इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट का जो प्रोसेस उसे ज्वाइन करने में उनको फोर्स किया जाए, कंपेल किया जाए। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है डिक्लेरेशन, जैसे कि हमने कहा कि सबसे पहले कोर्ट एक मौका देती है, जो भी अक्यूज है या विटनेस है उन्हें मौका देती है कुछ टाइम का कि आप कोर्ट में आकर के पेश हो। तो ये जो स्टेज होता है ये होता है डिक्लेरेशन का, उसे डिक्लेयर करती है जाकर के उसके मोहल्ले में या उसके जो जो भी जहां वो रहता है या जहां पर वो पाया जाएगा वहां जाके डिक्लेयर करती है कि यू हैव टू बी अपियर, दैट यू हैव टू अपियर इन द कोर्ट। अगर डिक्लेयर करने के बाद वो नहीं आते हैं एक टाइम के अंदर, वो नहीं आते जो अभी हम डिस्कस करेंगे बैरक में, बट अगर वो डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर वो पेश नहीं होते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट डिक्लेयर्स हिम टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको कि हम पीओ कहते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। अब पीओ अगर डिक्लेयर हो गया तो देन व्हाट हैपेंस, अगर उसके बावजूद भी नहीं आते सो हिज प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड। अटैच्ड का सिंपल मतलब है सीज्ड, सीज्ड बाय द कोर्ट। जो प्रॉपर्टी है हिज प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, अटैच करके कुछ टाइम तक रखेगी। अगर उस टाइम तक भी नहीं आते सीज करके उस प्रॉपर्टी को, उसकी उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने के बावजूद वो नहीं आते हैं, तो देन द कोर्ट हैज द पावर टू सेल हिज प्रॉपर्टी, टू सेल हिज प्रॉपर्टी, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर देगी। और अगर ये सारे कर, इन सारे जब अटैचमेंट और सेल की प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में अगर कोई आकर के उसे चैलेंज करता है, मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को अटैच करने से पहले कोर्ट के ही किसी ने अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर लिया, मान लीजिए जो ऑफेंडर है जिस प्रॉपर्टी को उसको अटैच किया है, मान लीजिए आज अटैच किया है पर आज से एक महीने पहले अक्यूज ने उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी बेच दिया था, तो अगर कोई आकर के उस चीज को चैलेंज करता है कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरी है ये अक्यूज की नहीं है, तो उसमें भी कोर्ट उसे रिलीज कर देगी। या फिर अगर अक्यूज पेश हो जाते हैं आकर के और वो कहते हैं कि मेरे बोनाफाइड्स हैं, मेरे को पता नहीं लगा प्रोक्लेमेशन का और मुझे पता नहीं था ऐसा कोई केस चल रहा है, ऐसे अगर सिचुएशन होती है तो भी कोर्ट उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो डिक्लेरेशन और प्रोक्लेमेशन जो है दिस इज कंटेन्ड इन सेक्शन 82, जैसे हमने कहा 82 to 86 है, 82 to 86 डील्स विद डिक्लेरेशन एंड प्रोक्लेमेशन, बट 82 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है विद दिस डिक्लेरेशन एंड प्रोक्लेमेशन की जो प्रक्रिया है। और बाकी जो 83 to 86 सेक्शंस 83 to 86 दे डील विद अटैचमेंट, सेल एंड रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स दिस इज द बर्ड्स आई व्यू, दिस इज जो इस चैप्टर में मोटा मोटा है, रेस्ट इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट द लॉ सेज, बट दिस इज व्हाट द ब्रॉड प्रोस्पेक्टस ऑफ लॉ इज विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट मैटर। सो पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी, इट डील्स विद प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, कंटेन इन सेक्शन 82 to 86। 82 कहता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इश्यूड बाय इट हैज एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ सो दैट सच वारंट कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड, सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपियर एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है या जिसको कोर्ट में पेश होना है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो एब्सकॉन्ड कर गए हैं या अपने आप को कंसील ऐसे कर रहे हैं ताकि उनके अगेंस्ट वारंट अगर वो इश्यूड है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो कोर्ट क्या करेगी, एक रिटन प्रोक्लेमेशन निकालेगी फॉर दैट पर्सन टू अपियर वेयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 डेज। 30 डेज के अंदर उस पर्सन को अपियर होना पड़ेगा कोर्ट के सामने। उसके बाद द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज, जो प्रोक्लेमेशन दिया है सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 2 कहता है वो प्रोक्लेमेशन कैसे पब्लिश होगा, तो इसमें चार चीजें दी हुई हैं। इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज, जो प्रोक्लेमेशन है टाउन के किसी ऐसे टाउन जहां पे वो रहते हैं जिनके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है, वो जहां रहते हैं उसके किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट, मतलब जहां वो दिखता हो ऐसे किसी पार्ट पे उस टाउन या विलेज के उस पब्लिकेशन को लगाना होगा, उसे अफिक्स करना होगा एट सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और टू सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज, जहां वो रहते हैं वहां पर उस नोटिस को या उस पब्लिकेशन को लगाना होगा
थर्ड जो है रिक्वायरमेंट वो ये है कि अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, कोर्ट के किसी ऐसे पार्ट में जहां सब सबको दिखता हो, जहां पर वो ओपन पब्लिक गेज में हो, वहां पर उस पब्लिकेशन को लगाना होगा। तो तीन जगह, उसके टाउन या विलेज में, सेकेंड उसके घर पे, और थर्ड उसके कोर्ट, और थर्ड कोर्ट हाउस में जो कोर्ट है वहां पर, इन तीनों जगहों के किसी ऐसी जगह में उस प्रोक्लेमेशन को लगाना होगा जहां पर कि वो ओपनली प्रोक्लेमेशन दिखता हो, पब्लिक ग्लेयर में हो। तो ये जो तीन रिक्वायरमेंट्स थी ये है कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्रोक्लेमेशन। अब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑप्शनल। व्हाट इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट? द कोर्ट मे ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट। तो अगर कोर्ट को लगता है व्हाट इट कैन डू, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। तो ये जो सब क्लॉज टू है ये दिस इज एन ऑप्शनल थिंग इफ द कोर्ट थिंक्स फिट। वो क्या कर सकती है, न्यूज़पेपर में भी उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर सकती है। सो नाउ सबसेक्शन थ्री ये कहता है अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section has been complied with and that the proclamation was published on this day. So a statement in writing by the court in issuing the proclamation to the effect, jo court proclamation issue kar raha hai wo agar aisi ek statement de deta hai ki at a specified date specified time mein jo requirements thi proclamation ki jis tarike se use publish hona chahiye tha it has been done. So what is that? That is a conclusive evidence. मतलब it will be conclusive evidence to the effect कि proclamation was done properly. अब ये subsection 4 कहता है where proclamation published under subsection 1 is in respect of person accused of an offence punishable under section 302, 304, 364 ऐसे जो different offences specify किए गए हैं of the Indian Penal Code and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation the court may after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. तो ये जो specified offences हैं, इनके बारे अगर court की proclamation हुई है, और अगर the person fails to appear, if the person fails to appear within जो 30 days की proclamation हुई है, जिसमें हमने देखा subsection 1 में, 30 डेज के अंदर कोर्ट अगर प्रोक्लेमेशन करती है कि आपको 30 डेज के अंदर आकर के पेश होना है कोर्ट में, और जिनके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है अगर वो 30 डेज के अंदर आके पेश नहीं होते हैं 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन देन द कोर्ट विल प्रोनाउंस हिम टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हम पीओ भी कहते हैं, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होना एक बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है देयर इज अ लॉ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जहां पे कि वो कोर्ट ने यह कहा है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर is not entitled to even the relief of bail. तो अगर proclaimed offender declare हो जाता है कोई तो फिर getting a bail is also difficult. तो in that case you will have to appear before the court, surrender या court की custody में जाना होगा या जो भी but you will be arrested and then उसके बाद ही आप bail के लिए apply कर सकते हैं. So this is how serious the declaration of proclaimed offender is. Now section 83 attachment of property of person absconding. अब 82 था विद रिस्पेक्ट टू प्रोक्लेमेशन एंड डिक्लेरेशन, अब होती है अटैचमेंट। सेक्शन 83 यहां से लेकर के 86 तक इट डील्स विद अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अटैचमेंट रिलीज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ 83 डील्स विद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट जैसे हमने कहा अटैचमेंट का सरल मीनिंग जो है जो सीधा सा मीनिंग है वो होता है सीजिंग अ प्रॉपर्टी। So what does 83 say? It says the court issuing a proclamation under section 82 may, for reasons to be recorded in writing, at any time after the issue of proclamation order the attachment of any property, movable or immovable, or both belonging to the proclaimed person, provided that where at the time of the issue of proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order attachment simultaneously with the issue of proclamation. तो section 83 subsection 1 दो भागों में बटा हुआ है। First part ये कहता है कि court proclamation के बाद कभी भी जो accused person है या जो proclaimed offender है उनकी property को seize कर सकती है, attach कर सकती है। पर provision में ये दिया हुआ है कि ना केवल
प्रोक्लेमेशन के बाद, बट इवन एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन कोर्ट उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है. किन सिचुएशंस में, अगर ऐसा कोई उनको डेंजर लगता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देंगे या उस प्रॉपर्टी के किसी पार्ट को रिमूव कर देंगे. सो द प्रोविजो इज बेसिकली एन इमरजेंसी प्रोविजन, एक ऐसी प्रोविजन है जिसमें कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने का इफेक्ट खत्म हो जाता है, अगर जिस रीजन के लिए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है अगर वो रीजन ही चला जाता है, तो इन दैट केस द कोर्ट कैन सीज हिज प्रॉपर्टी और अटैच हिज प्रॉपर्टी इवन एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. बट फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड, एन एफिडेविट, पुलिस की या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एफिडेविट रिक्वायर्ड है या कंप्लेनेंट की एफिडेविट रिक्वायर्ड होगी कि किन कारणों से ऐसा लगता है कि एट द टाइम ऑफ इशूइंग प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी ऑट टू बी अटैच्ड. अदरवाइज इन जनरल सर्कमस्टेंसेस पहले प्रोक्लेमेशन होगा और बाद में कभी जाकर के अटैचमेंट इफ रिक्वायर्ड होगा तो देन द प्रॉपर्टी विल बी अटैच्ड. बट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अगर कोई एफिडेविट फाइल करता है जैसे कि इस प्रावधान में दिया हुआ है, तो कोर्ट इवन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द प्रोक्लेमेशन कैन ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. अब सबसेक्शन 2, such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by district magistrate within whose district such property is situated. अब क्या होता है कि मान लीजिए जो accused person है उनका matter चल रहा है district A में, पर उनकी property situated है district B में. तो अगर तो district A में उनका matter चल रहा है और उनकी property district A में ही situated है, तो in that case that order will have effect. But अगर matter चल रहा है district A में और accused की property है district B में, तो in that case अगर ये क्या कहता है section, without such district when endorsed by district magistrate, तो जो proclaimed offender का जो attachment का जो order है, in that case अगर वो दूसरी district में है property, तो उस order के ऊपर जो उस district B के जो district magistrate है उनका endorsement होना जरूरी है. तो इस सेक्शन को समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जांपल. सो लेट्स से अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंडर इन डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट ए, बट हिज प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बी. तो अगर ऐसा होता है तो डिस्ट्रिक्ट ए में अगर जो ऑफेंडर हैं, जो पीओ हैं डिस्ट्रिक्ट ए में, उनकी प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रिक्ट ए में ही होती है तो इन दैट केस जो अटैचमेंट का ऑर्डर है दैट इज गुड इनफ. बट अगर उनकी प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी इज इन डिस्ट्रिक्ट बी, सो इन दैट केस व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, एन एंडोर्समेंट विल बी रिक्वायर्ड ऑन द ऑर्डर. डिस्ट्रिक्ट ए का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बी के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनका एंडोर्समेंट चाहिए होगा फॉर दिस ऑर्डर टू बी इफेक्ट, टू टेक इफेक्ट. तो डिस्ट्रिक्ट ए में अगर अटैचमेंट का कोई ऑर्डर होता है अगेंस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, दिस ऑर्डर विल बी एंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बी एंड ओनली देन विल द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ए हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बी. सो नेक्स्ट सबसेक्शन, if the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made by seizure, by the appointment of receiver, by any order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed offender or to any other person on his behalf, or by all or any two of such methods as the court thinks fit. to agar property debt hai, udhar hai, ya koi movable property hai, to kaise hogi, jo uska attachment kaise hoga, by seizure, by appointment of a receiver, by prohibiting its delivery, or by all or any two of the aforesaid measures. ab subsection 4 kehta hai, if the property ordered to be attached is immovable property. isse pehle humne subsection 3 mein dekha tha ki attachment jo hogi movable property ki kaise hogi. अब सबसेक्शन 4 डील करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कैसे होगी. इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट एंड इन ऑल अदर केसेस बाय टेकिंग पोजेशन, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और टू एनी ऑफ एनी वन ऑन हिज बिहाफ, और बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंग्स फिट. तो अगर एक प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि रेवेन्यू पे करती है स्टेट को, तो
इन दैट केस द अटैचमेंट विल बी मेड थ्रू कलेक्टर. इन अदर केसेस कैसे होगा? बाय टेकिंग इट्स पोजेशन बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. उसका जो रेंट है उस पर रोक लगा देगी कोर्ट, या इन दोनों इन तीन मेथड्स में से सारे मेथड्स को लेकर के एक मिक्स करके, या फिर इन इनमें से तीन में से किसी भी दो मेथड से प्रॉपर्टी अटैच होगी. नाउ सबसेक्शन 5. इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट्स ऑफ लाइफ स्टॉक और इज ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएट सेल thereof, एंड इन सच केस प्रोसीड्स ऑफ द सेल शैल अबाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. अगर लाइफ स्टॉक है या कोई पेरिशेबल आइटम है जिसको अटैच करना है, तो उस केस में कोर्ट इमीडिएट सेल ऑर्डर कर देगी, और उसमें जो सेल में जो पैसे आते हैं उसको कोर्ट के ऑर्डर से अबाइड करना होगा. मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो सेल की रकम है उसको यूज किया जाएगा. सबसेक्शन 6. द ड्यूटीज पावर्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम एज दोज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. सबसेक्शन 6 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. वो ये कहता है जो पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज होंगी रिसीवर की, जो कि इस प्रावधान के अंडर अपॉइंट होते हैं, उनकी सेम पावर्स होगी जो कि एक रिसीवर की सीपीसी के अंडर होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर होती है. नाउ सेक्शन 84 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ अटैचमेंट. सो ये जो सेक्शन है ये डील करता है कि मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उस पर ऑलरेडी कोई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया हो. मान लीजिए जैसे एक्यूज पर्सन है उनकी प्रॉपर्टी को आज अटैच किया गया है, पर आज से एक महीने पहले उस प्रॉपर्टी को वो ऑलरेडी सेल ऑफ कर चुके हैं, तो इन दैट केस क्या होगा? तो लेट्स रीड दिस सेक्शन. इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 83 विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी and that such interest is not liable to attachment under section 83, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part, provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative. तो subsection 1 बहुत ही सरल सी बात कहता है कि अगर किसी का claim है, prior claim है, जो property attached है उसके ऊपर प्रायर क्लेम है किसी थर्ड पर्सन का, तो वो 6 महीने के अंदर उस क्लेम को कर सकते हैं. और ये बोल करके कि ये प्रॉपर्टी को अटैच आप नहीं कर सकते हैं, आपने अटैच किया पर यू कांट डू दिस अटैचमेंट, और वो जो क्लेम है इट विल बी अलाउड और डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट. वो क्लेम को फुल अलाउ कर सकती है, पार्टली अलाउ कर सकती है, फुल डिसअलाउ कर सकती है कोर्ट, या पार्टली डिसअलाउ कर सकती है. और ये क्लेम करने के बाद अगर जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है तो ये क्लेम को कौन लेंगे आगे? इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे फाइट करेंगे. सबसेक्शन 2 क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इश्यूड और इफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर एन ऑर्डर एंडोर्स्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अटैचमेंट इज मेड. तो ये प्रावधान यही कहता है कि ये जो क्लेम होगा वो कहां होगा? इट विल बी मेड बिफोर द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ये जो क्लेम और ऑब्जेक्शन जो होगी इट विल बी मेड बिफोर द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. सबसेक्शन 3 एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड, प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही शैल मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट टू हिम. तो बहुत ही सिंपल सी चीज कहता है ये सबसेक्शन, कहता है कि जिस भी कोर्ट में ये क्लेम को फाइल किया जाएगा वो कोर्ट इंक्वायर करेगी, और अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किया जाता है तो अपने से नीचे कोई अगर जो मजिस्ट्रेट उनसे सबॉर्डिनेट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनको वो केस दे सकता है डिसाइड करने के लिए. सबसेक्शन 4 एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 मे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर institute a suit to establish the right which he claims in respect to the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive. So, this subsection says ki maan lijiye kisi ne claim kiya us property pe jo attach hui hai aur wo claim ko reject kar diya gaya. To reject karne ki 1 saal ke andar andar वो एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, एक सिविल केस फाइल कर सकते हैं जिसको कि हम सिविल सूट भी कहते हैं. ही कैन फाइल अ सिविल सूट और सबजेक्ट टू द आउटकम ऑफ दैट सूट, उस सूट का जो भी आउटकम होगा अगर वो चेंज करे सिचुएशन को तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज जो ऑर्डर हुआ है अटैचमेंट का दैट इज कंक्लूसिव.
सो दिस वॉज विद रिस्पेक्ट टू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन. सेक्शन 84 जो है इट डील्स विद अगर कोई थर्ड पर्सन क्लेम करते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि अटैच्ड है. नाउ सेक्शन 85 डील्स विद रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी. If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from attachment. बहुत ही सीधी सी बात है कि अगर कोई person जिनकी property attach होगी है वो एक specified time के अंदर appear हो जाते हैं court के सामने और court के process के साथ comply करते हैं तो उनकी property को release कर दिया जाएगा. Seizure से उनकी property को attachment से release कर दिया जाएगा. Subsection 2. If the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the property under attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of attachment and until any claim preferred or objection made under section 84 has been disposed of under that section, unless it is subject to speedy and natural decay or the court considers that the sale would be for the benefit of the owner. In either of which cases, the court may cause it to be sold whenever it thinks fit. तो subsection 2 ये कहता है कि proclamation के अंदर जितना time दिया हुआ है proclaimed offender को appear होने का, अगर उसके अंदर वो appear नहीं होते तो then उनकी जो property attached है the state government is at a discretion to dispose of, to sell of that property. But state government attachment के, property के attachment के 6 महीने के अंदर अंदर नहीं, 6 महीने के बाद ही उस property को sell off कर सकती है. तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन. 6 months का जो कंडीशन है, 6 months आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, दिस इज फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन है कि जैसे हमने सेक्शन 84 में देखा कि कोई अगर क्लेम करता है थर्ड पर्सन, तो अगर ऐसा कोई क्लेम थर्ड पर्सन ने किया है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उस केस के डिसाइड होने के बाद ही, अगर मान लीजिए उस जो क्लेम है उसको कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, उसके बाद ही this property can be sold off by the state government or it can be disposed of by the state government. But there is again an exception over here. ये जो 6 महीने का और ये जो claim वाला जो provision है, जो waiting time है, उसके ऊपर भी एक exception है. वो court ये court ये कहता है, CRPC ये कहती है कि but अगर property ऐसी है कि उसका nature ऐसा है कि it is subject to speedy and natural decay, या फिर अगर owner जो है उस property का उसके benefit के लिए court can order its selling at any point of time. तो court को तो 6 महीने का जो waiting period है या उस property के जो third person का कोई claim है उसके लिए भी wait नहीं करना होगा अगर property का nature ऐसा है कि it is subject to speedy and natural decay या फिर benefit of the owner. Benefit of the owner आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए shares हैं. अब shares के prices आज बहुत ऊपर हैं. Let's say it is 200-400% higher than what it was at what which it was purchased. तो उसका benefit तभी होगा कि अगर वो आज सेल ऑफ कर दिया जाए, तो बेनिफिट ऑफ द ओनर अगर होगा इसमें, अगर वो ज्यादा प्राइस फेच कर सकता है, तो इवन देन द कोर्ट माइट नॉट वेट फॉर द 6 month पीरियड और टिल द डिसीजन ऑन द क्लेम ऑफ अ थर्ड पर्सन एंड द कोर्ट माइट ऑर्डर इट्स डिस्पोजल. अब सबसेक्शन 3. इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 अपीयर्स वॉलंटरीली और इज अप्रीहेंडेड एंड ब्रॉट बिफोर द कोर्ट by whose order the property was attached or the court to which such court is subordinate and proves to the satisfaction of that court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property or if the same has been sold the net proceeds of the sale or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom, all costs incurred in consequence of the attachment be delivered to him. तो इस subsection 3 क्या कहता है? Subsection 3 कहता है कि attachment के 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई person court के सामने appear होता है, जो proclaimed offender है, वो court के सामने appear होते हैं और appear होके वो ये कहते हैं, या तो अपियर होते हैं, उन्हें कोर्ट के सामने लाया जाता है और अपियर होते ही वो वॉलंटरली ये कहते हैं कि मेरे को इस नोटिस का जिसके तहत मेरे को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, या मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि मेरे को पता हो, मैं या कंट्री से बाहर था, या आई वाज सो अनवेल, आई वाज प्रोबब्ली, यू नो, इफ अ पर्सन इज इन कोमा, उसको पता नहीं लग सकता है कि उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है. तो अगर ऐसा कोई जेन्युइन सा ग्राउंड ला करके कोर्ट के सामने वो रखते हैं, तो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, अगर उनकी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर दिया है, इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन डिस्पोज्ड, तो उनको
जो भी अटैचमेंट का और डिस्पोजल का जो भी खर्चा हुआ है उसको कोर्ट रख करके बाकी का जो पैसा है उनको वापस कर देगी। सेक्शन 86, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85 हु इज अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल टू डिलीवर प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स ऑफ द सेल देयरऑफ मे अपील टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस टू फर्स्ट मेंशन कोर्ट। तो सेक्शन 86 सिर्फ एक अपील की प्रावधान बनाता है, वो ये कहता है कि अगर कोई सेक्शन जो हमने इससे पहले वाला सबसेक्शन पढ़ा जहां पे कि प्रॉपर्टी के नेट प्रोसीड्स दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाता है, अगर उस ऑर्डर से अग्रीव्ड है, अगर ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट एवर ऑर्डर द कोर्ट हैज पास, तो जिस कोर्ट ने उस ऑर्डर को पास किया उसके ऊपर जो भी कोर्ट होती है वो पर्सन वहां पर जाकर के उसे अपील कर सकते हैं। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन ऑन प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट विच इज कंटेन्ड इन पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी विच डील्स विद प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस एंड आई होप दैट यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। और अगर आप ऐसे ही हमारे लीगल टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन है उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अगर आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे Facebook पेज पे से देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कर दें ताकि आप ऐसे ही जो लीगल टॉपिक्स के ऊपर हमारे डिस्कशन है उसके साथ जुड़े रहें, जो हम रेगुलरली अपलोड करते हैं उसके साथ आप जुड़े रहें, आप तक वो पहुंचते रहें। और अगर आपको लगता है इससे किसी को फायदा हो सकता है, क्या किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ ये शेयर करें। सो विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ एंड गुड बाय।